नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। सर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मूनलाइट सिनेमा के मालिक के संजय को दिन दहाड़े उनके सिनेमा हॉल के सामने मार दिया गया। डॉक्टर जतिन राजगुरु सर, इन्हें भी अपने ही नर्सिंग होम के सामने कार से निकाल कर मार दिया गया। इनसे भी पैसे की डिमांड की गई थी सर। सर, यह है भास्कर शेट्टी, यह गैंगवार की निशानी है। मुंबई शहर में इसका 18 रेस्टोरेंट है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन थे। नलिन बोरा, चरनी रोड के मशहूर वोरा ज्वेलर्स के मालिक, पहले इनके बेटे को किडनैप किया गया, फिर जब इन्होंने पुलिस की मदद लेनी चाहिए तो इन्हें मार दिया गया। हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये सब? शहर में गुंडे खुलेआम दिन दहाड़े लोगों को मार रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ पा रहे इन लोगों को हम? मैं पूछता हूँ, आखिर ये लोग हैं कौन? सर, इन वारदातों के पीछे नामी क्रिमिनल्स का कोई हाथ नहीं है। हम उन्हें ऑलरेडी इंटेरोगेट कर चुके हैं। तो फिर ये किसका काम है, कौन कर रहा है ये सब? सर, आजकल क्राइम वर्ल्ड में काफी नए और कम उम्र के लड़के तेजी से आ रहे हैं। इनके बारे में हमें कोई जानकारी होती नहीं, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और ये लड़के 5,000-10,000 जैसी मामूली रकम के लिए किसी का भी खून कर देते हैं। तो क्या इन्हें खुला छोड़ दें कुछ भी करने के लिए? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप सब लोग जी जान से लग जाइए, हमें इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करना है, बस। हो गया दिल टूटे।
सोनी है, सोनी है, आए हाय हाय नी मन मोनी है, गल सुन ले तुझे मेरी जान की कसम सोनी है। जी बा ठीक है, एक नंबर लगाना है। किसका? ये है पंकज खरबंदा, खरबंदा कंस्ट्रक्शंस का मालिक। खटाव मिल्स के पीछे एक बहुत बड़ी जमीन है, आजकल उस पर निगाह टिकी हुई है इसकी। वहां एक झुग्गी झोपड़ी वालों की बस्ती भी है, वहां पे रहने वाले हजारों लोग हर किस्म की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस जमीन से खुद उखड़ने के बजाय क्यों ना खरबंदा कोई उखाड़ फेंका जाए। 5 लाख रुपए का ऑफर है। इस काम के लिए इतनी रकम ठीक नहीं है। मुझे मालूम है जीवा ये पैसे कम है, लेकिन उन्होंने ये रकम भी बड़ी मुश्किल से जुटाई है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस काम के लिए इतनी रकम ठीक नहीं, उनके पैसे लौटा दो। पैसे लौटा दो जीवा? हम लोग पैसे के लिए तो काम करते हैं। मदन भाई, खरबंदा के जिस्म में मैं जितनी गोलियां दागूंगा 1 रुपया गोली के भाव से हिसाब कर लेना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अभी अभी हमें ईमेल पर मैसेज मिला है, Somebody wants to kill you. वो कहता है सूरज डूबने से पहले आपको मार देगा। What rubbish? Get me commissioner's number. Okay sir. हेलो हेलो, मैसेज मिला, सूरज डूबने से पहले मार दूंगा मैं तुझे। क्या? हेलो, हेलो, मैं खरबंदा बोल रहा हूँ। भाई है? भाई दुबई गया है बहन की शादी में। सर कमिश्नर नंबर। कमिश्नर हेलो, मैं खरबंदा कंस्ट्रक्शन से पंकज खरबंदा बोल रहा हूँ, मुझे पुलिस कमिश्नर से बात करनी है। आए मीटिंग में। देखिए मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी है। नहीं नहीं, अभी बात नहीं हो सकता है। हेलो, हेलो, हेलो मिस्टर खरबंदा। हाँ बोल रहा हूँ। मैं एसीपी सिंह बोल रहा हूँ। अभी अभी हमने एक फोन कॉल ट्रेस किया है जिसमें आपको मार देने की धमकी दी गई है। हाँ मुझे एक फोन आया है। आप इस वक्त हैं कहाँ? मैं
वर्ली एनी बेसेंट रोड पर हूँ। आप ऑफिस के बाहर क्यों निकले? मैं कमिश्नर को मिलने जा रहा हूँ। एग्जैक्टली बताइए आप इस वक्त है कहाँ? मैं इस वक्त पोदार हॉस्पिटल के पास हूँ। मिस्टर खरबंदा, जिन लोगों ने आपको धमकी दी है वो आपके आस पास की किसी गाड़ी में है। क्या कह रहे हैं आप? आप राइट लीजिए, राइट, आगे से राइट लीजिए, आगे से राइट लीजिए, राइट लीजिए मिस्टर खरबंदा, राइट लीजिए, राइट। खरबंदा साहब, राइट लीजिए, राइट, राइट लीजिए, राइट। नेता साहब, एक मिनट सब, नेता मिस्टर खरबंदा, जल्दी कीजिए, कम ऑन मिस्टर खरबंदा, कम फास्ट, प्लीज कम फास्ट, कम ऑन मिस्टर खरबंदा। सिंह साहब, ये कौन लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं? खरबंदा, तुझे मरने की बहुत जल्दी है। क्या मतलब? सूरज डूबने में तो वक्त बाकी है। कौन हो तुम? दारू पीने को। मैं जरा कांदी वाली होके आता, तू संभाल इधर। सलाम साहब। सलाम साहब, दिवाली का बख्शीश। साहब हम दो है। ले हिसाब करता क्या है साहब? बहुत बड़ा डॉक्टर है, बड़े बड़े लोगों का इलाज करता है। रोड रोलर से टकरा गई थी, वो बहुत तेजी से आ रहा था, मैं कुछ धीरे जा रही थी। तुम्हारी शर्ट जल जाएगी। ओ। क्यों पीती हो सिगरेट? दूध पीने की उम्र नहीं है मेरी। मेरे बाप को मत बताना ये इसके बारे में। Thank you.
सुबह करीब 10:30 बजे जानी मानी खरबंदा कंस्ट्रक्शंस के मालिक श्री पंकज खरबंदा की किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों में पुलिस की नाकामी पर जबरदस्त रोष है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में शहर के पुलिस कमिश्नर श्री एस के पुरी मौजूद हैं। हाँ तो मिस्टर पुरी, इन दिनों शहर में गुंडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, पुलिस की भूमिका कमजोर होने की क्या वजह है? देखिए, इस आतंक को खत्म करने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल ये होता है, मौका वारदात पर कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं होता, इसलिए ये लोग बेखौफ भीड़ भरी जगहों पर आसानी से अपना काम करके चले जाते हैं, और लोग सब कुछ देखने के बावजूद चुपचाप अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं। तूने मेरे पास से पैसे निकाले? मैं तुझसे पूछती हूँ, तूने मेरे पास से पैसे निकाले? हाँ निकाले। क्यों? जरूरत थी। तेरी हिम्मत कैसी है मेरे पास को हाथ लगाने की? हाँ, मैंने तुम्हारे पर्स से जो पैसे निकाले वो मेरे बाप के कमाई की है, उन पैसों पर मेरा हक है। मेरा? तू अपना हक अपने बाप तक ही रख, आइंदा तूने ऐसे किया ना तो क्या कर लोगी? मुझे घर से निकाल दोगी? मुझे मेरे ही घर से निकाल दोगी? ए, क्या हो रहा है? किस बात पर इस घर में नाटक हो रहा है? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी तो मैंने इनके पर्स से निकाल लिए। तुमने निकाले क्यों? मांग नहीं सकती थी क्या? नहीं मांग सकती थी मैं इस घर में, इनसे या इनकी बहन से मैं कुछ नहीं मांग सकती, क्योंकि इस घर में जो कुछ भी है वो हमारा है, हमारा। देखो ये बात गलत। गलत? मैं गलत बात कह रही हूँ? हाँ मैं गलत बात कह रही हूँ। मेरी जरूरत है, मेरे शौक, इन पे घर में हंगामा खड़ा हो जाता है, और इन दोनों शॉपिंग किटी पार्टी, इनको कोई कुछ नहीं कहता। सुना सुना तुमने ये क्या कह रही लड़की? हाँ तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि ये तुम्हारी माँ है। मेरी माँ मर चुकी है, ये बीवी आपकी है, आपने जबरदस्ती थोप दिया इसको मेरे ऊपर। हो गया ना, देख लिया ना, और कितना सहना पड़ेगा मुझे? कितने पैसे कराओगी तुम मेरे यहाँ पे? ओ खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, पागल करके रख दोगी तुम मुझे, परेशान करके रख दिया है तुमने मुझे। कुछ अक्कल से काम क्यों नहीं लेती हो तुम? अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बहन पर लगाती हो, थोड़ा उससे प्यार से बात कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम उसके पीछे क्यों पड़ती हो? मैं उसके पीछे पड़ती हूँ या वो मेरे पीछे पड़ती है? वो तुम्हारे पीछे पड़ती है, ठीक है, मैं खुद उसको इस घर से अपने रास्ते से निकालना चाहता हूँ, लेकिन मौका तो मिले तो, मेरे को मौका मिलेगा तो करूंगा ना। निकाल क्यों नहीं देते तुम इसे? निकाल दूंगा, परेशान मत करो। चलो, नहीं मैं नहीं चलो, इन सबको मेरे बेटे को जाने दो। नहीं चलो, नहीं और कुछ नहीं, चुपचाप से बैठ जाओ गाड़ी में, ले जाओ इन सबको, चलो बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा, इनको भी बाहर निकालो, देखते रहो, चलो चलो बाहर हो गया, चलो। हेलो, ये ले पकड़, अपने घर जाके फोन कर, चल उठा के चलो सबको गाड़ी में, चलो हेलो। हेलो हेलो क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते हो? हाँ नहीं मिलना चाहता। देखो किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
लेकिन जो सपना हम देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता। जिस दिन तुम्हारे पापा को पता चल गया, पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? मैं पापा से नहीं डरती। मैं पापा को आज ही बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और पापा को क्या, मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। किरण लव्स यू। और मैं नीचे सबको जाके बता दूंगी कि किरण लव्स यू। I love you. Kiran loves you. Kiran loves you. I love you. Kiran loves you. I love you. I love you. Kiran loves you. I love you. Kiran, please. Come on here.
इंस्पेक्टर। उसे इस बात का सबक जरूर मिलना चाहिए कि उसने खुद को मेरी बेटी के साथ जोड़कर अपनी जिंदगी दांव पर लगा ली है। उसे कानून के फेरे में डालकर ऐसा घाव दो जो सारी जिंदगी ना भर पाए। पापा, पापा क्या कह रहे हैं आप जीवा के साथ? क्या क्या कह रहे थे आप इंस्पेक्टर से? मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि वो खुद को तुम्हारी जिंदगी से अलग कर ले। पापा, आप उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, और अगर आपने कुछ किया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। बकवास बंद करो। तुम्हारी खुशी और भलाई किसमें है ये मैं तय करूंगा। अब तक वो मेरा दामाद बनने के ख्वाब की छांव में जी रहा था, लेकिन अब उसे सच्चाई की तिलमिलाती धूप देखनी है। प्लीज सर बताइए ना सर, मेरी मां और बहनों ने ऐसा क्या किया जो उन्हें यहां पकड़ लाया है? सर सर बताइए ना सर, सर बहुत टेंशन हो रहा है सर। धंधा करवाती है धंधा, तेरी मां अपनी बेटियों से धंधा करवाती है। बस मिश्रा, अरे बस कर, बंद करो। मिश्रा जी, इसे सलामत रखो। बेचारे को अपनी मां और बहनों को लेकर मुंह छुपाने के लिए पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ेगा। छोड़ दो इसे, इसकी सजा तो यहां से बाहर निकलने के बाद शुरू होगी। बस्ती के लोगों ने आंखें बिछा रखी हैं इनके दीदार के लिए। अरे ये शरीफों की बस्ती है, धंधा ही करना है तो कहीं और जाओ। अरे इससे तो अच्छा होता तुम किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देते। अरे जान तो ये तब देंगे जब इनमें कोई शर्म हया होगी। अरे तुम जैसे पापियों के लिए इस बस्ती में कोई जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ए, देखता क्या है? मैंने मारा है, मैंने अपनी माँ को लेके बाहर धंधा शुरू कर। ए, चल चल। जीवा की जिंदगी के साथ आपने जो खेल खेला है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी आप आसानी से जिंदगी गुजार लेंगे, क्योंकि आप एक गिरे हुए इंसान हैं।
पाप के इस बोझ को मुझे ढोना पड़ेगा। बदकिस्मती से आप मेरे बाप हैं और ये बोझ उठाकर मैं जी नहीं सकती। अगर आप मेरी आत्मा की शांति चाहते हैं तो मेरी लाश को हाथ मत लगाइएगा। ये सब उस कमीने जीवा की वजह से हुआ है। अरे मेरी बेटी, उसकी लाश तक पहचान में नहीं आ रही थी मिश्रा। सर आप चिंता क्यों करते हो, जीवा का काउंटर मैं लगाऊंगा। किरण की तो लाश पहचान में नहीं आ रही थी ना, लेकिन जीवा की तो लाश भी नहीं मिलेगी। तेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि तू सदा गिरा हुआ बाप है या सदा गिरा हुआ इंसान। जी बस करो, अभी बात को यही खत्म करो। हमें कौन सा बात बढ़ानी है, हर्ष की बकवास सुननी है तो हमें एक बात कान खोल के सुन लो। दो चार दिन से ज्यादा विजय यहाँ नहीं टिकेगा, सुना तुमने? अब मेरा भाई इस घर में कितने दिन रहेगा तुम डिसाइड करोगी? हाँ मैं डिसाइड करूंगी। लाख रुपए खर्च करके हमने उसकी ट्रेनिंग पूरी करवाई है, अब उसे कहा अपनी नौकरी ढूंढे, अपना इंतजाम खुद करे, हम उसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। मेरा भाई बोझ नहीं, बोझ तुम और तुम्हारी बहन हो मेरे घर में। क्या हमें बोझ कह रही है? सुना भी चुप करो, अभी मुझे चुप मत कराइए, बोले दीजिए। मेरा भाई जितने दिन चाहेगा यहाँ रहेगा, वो उतने दिन रहेगा जितने दिन मैं चाहूंगी। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा, मेरा भाई अपने बाप के घर आ रहा है, तुम्हारे बाप के घर में नहीं। हाँ? बहुत सहलिया, मेरा भी हाथ उठ सकता है। चल जा कमरे में जा, जा। देख ली तुमने इसकी हरकतें? हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर और मिसेस बाली? कौन बोल रहा है? मैं केसी कॉलेज के प्रिंसिपल बोल रही हूँ। मिसेस बाली स्पीकिंग। मिसेस बाली, आपकी बेटी 3 महीने से कॉलेज नहीं आई है, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, वो एग्जाम्स में नहीं बैठ पाएगी। उसे मरे 3 महीने हो गए। ओह सॉरी। उन लोगों को अलग फ्लैट कहाँ से दूं? उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं? बात करती है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, फटाफट पैसे कमाता हूं। ये सब कुछ मेरे को बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दुनिया से मैं जुड़ा हूं ना, उसमें जिंदगी बहुत छोटी होती है। अंदर साहब, अंदर मीटिंग में बैठे हैं, आधे घंटे तक किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया। अरे ऐसे कैसे मना किया है, हमको कौन मना करता? देखता हूं मैं अंदर। अरे आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। हट बाजू में। अरे आप नसीर भाई, मेरी बात सुनिए। अरे फालतू आदमी, आदमी आप
आप उन भी अपना काम छोड़ के आए हैं। आप उनको साफ से मिलेगा बस। अरे सुनते ही नहीं है। आइए आइए नसीर साहब, आज सुबह ही मैं आपके बारे में सोच रहा था। आइए बैठिए प्लीज। ओके ऑफिसर्स, ये पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, इन्हें फॉलो अप करके मुझे बताइए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। देवराज साहब, आज अपन आपको एक एक बात बोलने को आया। एक क्यों, जब धंधा साथ कर रहे हैं तो बातें दो चार दस बीस भी हो सकती है। देवराज साहब, मैंने आज तक आपको कभी कोई बात बोलने से रोका है? कभी ऐसा हुआ कि मैंने कुछ कहा और आपने नहीं सुना, या आपने कुछ कहा और मैंने नहीं सुना? ऐसा कभी हुआ हमारे बीच? कपूर तुम बताओ, आज तक मैंने मामू से कभी ऊंची आवाज में बात की? कभी की? तो आज जब आपको मेरे ऑफिस में आकर मेरे से बात करनी थी तो गुस्सा क्यों? ये मेरा ऑफिस है, घर नहीं है। यहां पर लोग हैं जो देखते हैं, सुनते हैं, समझ सकते हैं। इस नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लोग मुझे पाप मानते हैं। यहां पर आकर मेरा मजाक उड़ाना तो ठीक नहीं। देखो नसीर भाई, माफ करना, दिल को चोट लगी, दिमाग गर्म हो गया, हाथ छोड़ दिया, थप्पड़ गाल पे मारा है, चोट गाल पर ही रखना। बता प्रॉब्लम क्या है? नहीं साहब, आज तलक मैं आपको कितना धंधा करके दिया, जो जवान दिया वो खरा उतरा। बराबर। पैसे का कभी कंप्लेंट हुआ? कभी नहीं। जब हम रोकड़ा खरा देता है तो माल भी खरा चाहिए आपको। बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पिछली बार हमने जो 5 लाख का जो माल लिया था वो खराब निकला, पार्टी ने माल वापस कर दिया। ये नसीर भाई को विटामिन किसने सप्लाई किया था? विकास बाली। देख बाली, अभी भी वक्त है, सच सच बता दे। इतनी बार बोलूं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मेरे घर में इस तरह घुसकर आ गए हो, ये कोई अच्छी बात है? मुझे बुला लेते, मैं चला आता। बात क्या है? जैसा तुम लोग समझ रहे हो, माँ कसम वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? नसीर भाई की डील में गड़बड़ी की है तूने, पूरे 50% की मिलावट है उसमें। देख, तूने जितना भी कमाया है चुपचाप उसका हिसाब दे दे, वरना तू जानता है। अरे भाई, मैंने कोई मिलावट नहीं की है, जो माल तुम लोगों से मैंने लिया था ना, वही माल मैंने नसीर को दिया है। देख वाली। अरे लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। रहने तो दे यार। सालवे, अभी हम यहां कोई काम करने के इरादे से नहीं आए, कैजुअल विजिट है। तेरे केस को हम ऑफिशियली ऑपरेट बाद में करेंगे। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो बाली, जो तुमसे हुआ है वो किसी से भी हो सकता है। इट्स ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत है वो। खुला पैसा और खुली औरत सामने हो तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, सुन पड़ जाता है वो। सुन, कल सुबह 10 बजे तक का वक्त मैं तुम्हें दे रहा हूं, हिसाब पहुंचा देना। अगर हम आए तो हमारी ये विजिट ऑफिशियल होगी 10 बजे तक। मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की है, मैंने किसी का माल नहीं दबाया है। तुम्हारा माल कैसे दूंगा जब मैंने दबाया ही नहीं है? मेरे को धोस नहीं देना, मैं डरता नहीं हूं। 10 बजे के 12 बजे, ए तू सुबह से कहां गायब थी? हाँ विकास जी, यहां आओ। अरे आता हूं ना, चिल्ला क्यों रही है? 10 बजे आएंगे। माल दो। माल कैसे दू? माल लिया है तो दूंगा ना। थैंक्स,
क्या हुआ? जिंदगी इतने दुख क्यों देती है? जिंदगी जो दे उसे ले लो। डरने की जरूरत नहीं है, हमने जो करना था ना वो कर दिया। जब मैं नहीं डरता हूं तो तू क्यों डरती है? और देख, मेरे को नसीहत देने की कोशिश मत कर। ज्यादा पैसा कमाने की भूख तूने मुझ में बढ़ाई है। मुझे इसमें जितना भी पैसा कमाया आधे से ज्यादा तो तूने उड़ा दिया। शॉपिंग ये लाओ वो लाओ वो करो, हाँ, फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश, पूरी ना होने पर मुंह लटकाए मेरी जान खाती रहती है। पैसा उड़ाते टाइम कभी ये सोचा तूने कि मैं पैसा कहाँ से और कैसे लेके आता हूँ? भैया लो आ गया। What a surprise! आप तो कल आने वाले थे। तुम्हें अगर इंतजार करवा के मैं कल आता तो तुम्हारे चेहरे पर ये जो खुशी है वो कैसे देख पाता? तुम्हें सरप्राइज देने का मजा ही कुछ और है। लेकिन भैया आपका बैग बहुत हैवी लग रहा है, इसमें क्या क्या है बताइए ना भैया। अभी दिखाता हूँ। अरे वो यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं आया, ट्रेनिंग उसकी पूरी हो चुकी है, ड्यूटी ज्वाइन करते ही वो अपना ठिकाना बना लेगा, समझी तुम? लेकिन जब तक वो यहाँ रहता है प्लीज तेजी तुम कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना, समझी तुम? वाओ व्हाट अ ड्रेस! अरे वाह, ये तो वैसी ड्रेस है जैसे हम लोग ने शॉप स्टॉप में देखी थी और महंगी होने की वजह से हम लोग खरीद नहीं पाए, आई रिमेम्बर। हाँ हाँ वही है ये। भैया मैं अभी पहन लूँ? अरे अभी सुबह पहन ले तू, अभी क्यों, छोड़। आपको ये ड्रेस अब तक याद थी? अरे मेरी बहन अपनी किसी पसंद पर उंगली रखे और मैं उसे भूल जाऊं, ये हो सकता है? अच्छा भैया ये बताइए, आपकी ट्रेनिंग के बारे में घर में जो हल्ला हो रहा है उसी का भी कहे नहीं? तू तू मेरी बात छोड़, अपनी बता, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, एकदम बिंदास। बहुत भूख लगती है और बहुत नींद आती है, इसलिए मैं बहुत खाती हूँ और बहुत सोती हूँ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कितनी खुश हो। सब ठीक हो जाएगा। इतने लोगों का खाना मुझसे नहीं बनेगा, मेहमानों को खुश रखना है तो नौकर रख लो, नौकर। तेजी विजय इस घर में मेहमान नहीं है, वो हमेशा यहाँ रहने नहीं आया, कुछ ही दिनों की बात है, घर में शांति रखो। सॉरी मुझे जरा देर हो गई, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, मुझे एक दो फोन करने थे। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? जी अच्छी रही, अगले महीने पोस्टिंग हो जाएगी शायद इसी शहर में। शायद? शायद क्यों? तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी पोस्टिंग हमेशा के लिए यहाँ कर लेना चाहते हो? देखिए भैया, अपनी पोस्टिंग जहाँ भी चाहे ये उनकी मर्जी है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? क्यों नहीं प्रॉब्लम है? तुम दोनों ने मुझे प्रॉब्लम देने की कसम जो खा रखी है। देखिए इन्हें मुझे जो कहना है ये कह सकती है, लेकिन मैं भैया के खिलाफ एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू चुप कर, हर बात पे टांग अड़ाना जरूरी है? आखिर मैं भी यहाँ बैठा हूँ। आपके होने या नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या आप उसका मुंह बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप, मुझे मालूम है। अगर आप कर सकते ना तो इन्होंने जो भैया के दिल को दुखाने के लिए बात कही है आप उसका जवाब देते, मैं नहीं, आप। सुन, अरे मेरी बात तो सुन। ओहो, तुम्हें उनकी बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, चुपचाप खाना खा लेती और फिर लड़ती, फिर तो मैं भी तुम्हारा साथ देता। मैं भूखे पेट नहीं लड़ सकता। देख देख, तू रोया मत कर, तेरी शक्ल बिगड़ जाती है। और देख अब सब ठीक हो जाएगा, पोस्टिंग के बाद कंपनी की तरफ से मुझे घर भी मिल जाएगा, और फिर मैं तुम्हें यहां से हमेशा के लिए निकालूंगा, हमेशा के लिए, और फिर अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी भी करा दूंगा। तुम्हें भरोसा है ना अपने भाई पर? हाँ, अब मुस्कुरा दे एक बार। और देख, जब तक हमारा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता इन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कल मुझे अपने एमडी से मिलने जाना है 11 बजे। हाँ भैया, कल आपका बर्थडे भी है ना, क्या गिफ्ट चाहिए आपको? मेरे पास मेरी बहन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो आपको गिफ्ट दूंगी। अरे ओके बाबा ओके। विकास जी, ओ विकास जी, क्या है? आपने मेरा पर्स देखा? नहीं नहीं देखा। सुबह से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। इस घर में कोई भी चीज जहाँ भी रखो मिलती नहीं है। निक्की कहाँ हो तुम? बाबा
देख ले ठीक रहेगी। अंकल ये 200 रुपए के है ना? किरण बेटी ये दूध 505 वाले के दही दिए। हाँ जरूर अंकल जरूर। हेलो वो जयंती ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है। मैं खुद ही रख देती हूँ। आउच बस। चला गया। फू! ये क्या किया? मैं तुम्हारे दूध के पैकेट इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो गंदे हो जाएंगे। तुमने तो मेरी शक्ल ही गंदी कर दी। बाथरूम कहाँ है? कितना हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? ए जी, तू अंदर जा। बीवी ने मेरे को भड़काया। देता हूँ, ये लो तुम्हारा माल, ये लो मैं तुम्हारा वफादार साथी हूँ, ये लो तुम्हारा माल।
बॉडी की लेंथ कितनी है? 174 सेंटीमीटर। और चेस्ट में बुलेट कितने? 3 गोली। इंतजार करवा के मैं कल आता तो तुम्हारे चेहरे पर ये जो खुशी है वो कैसे देख पाता। तुम्हें सरप्राइज देने का मजा ही कुछ और है। लेकिन भैया आपका बैग बहुत हैवी लग रहा है, इसमें क्या क्या है बताइए ना भैया। अभी दिखाता हूं। भैया मैं भी पहन लूं? अरे अभी सुबह पहन ले तू। अभी क्यों, छोड़। आपको ये ड्रेस अब तक याद थी? अरे मेरी बहन अपनी किसी पसंद पर उंगली रखे और मैं उसे भूल जाऊं, ये हो सकता है। हेलो। हेलो, क्या मैं कमिश्नर साहब के साथ बात कर सकती हूँ? यस स्पीकिंग। सर मैं पेटरन मिल्टन अपार्टमेंट से बोल रही हूँ। कल सुबह यहाँ एक पूरी फैमिली को किसने मार दिया। मिल्टन अपार्टमेंट? हाँ, फ्लैट नंबर 503। जी हाँ वही। मैंने उन खूनियों को देखा है और मैं उन्हें पहचान भी सकती हूँ। तुम खूनियों को पहचान सकती हो? जी। तुम्हारा मतलब है जिस वक्त ये हादसा हुआ तुम वहां मौजूद थी? जी हाँ। तो फिर तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब पुलिस इंक्वायरी कर रही थी? सर उस वक्त मैं इस हालत में नहीं थी कि पुलिस को कुछ बता पाती, क्योंकि जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ मैं उसी परिवार से हूँ। हो, पुलिस अभी वहां पहुंच रही है, तुम बिल्कुल मत डरना। तुमने जो कुछ भी देखा है उसे ठीक से याद करके पुलिस को बता देना। ओके ओके सर। कैसे हो सकता है खान? उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए घर का ऐसा कौन सा कोना ढूंढ लिया था जिस पर हमारी नजर नहीं पड़ी? वन मिनट, लेट मी जस्ट रिकलेक्ट द होल थिंग। बाहर के दरवाजे को लात मार के अंदर आया और ड्राइंग रूम में पहुंचा। बाली वहां टीवी देख रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने उससे वक्त पूछा, उसने घड़ी की तरफ देखा। पहला फायर मैंने घड़ी को किया था। गोली की आवाज सुनकर उसकी बीवी बाईं तरफ के कमरे से चिल्लाते हुए आई। मैंने एक ही गोली में उसे चुप कर दिया। पाली भागा, हम सब उसके पीछे पीछे गए। वहां से दौड़कर सीधे एक कमरे में दाखिल हुआ। वहां पर एक लड़की थी, वो हमें देखकर चिल्लाई भागी। मैंने उसे उड़ाया, पाली फिर भागा। इस बार गोली मैंने उसके हाथ में मारी, तखनी हाथ लिए पाली बाहर वाले कॉरिडोर में पहुंचा जहां पर हनीफ और गुप्ते पहले से मौजूद थे। खान, इस पूरे दौरान हम घर के हर कमरे से गुजरे थे, कहीं कोई नहीं था, कोई नहीं था। उसके बाद कॉरिडोर में पहुंचकर मैंने
वाले को गोली मारी। तभी उसका बेटा पीछे से चिल्लाते हुए आया। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? डिस्टर्ब कर दिया उसने मुझे। He disturbed me. मैंने पहले उसे मारा था और फिर जब वापस बाली की तरफ पलटा तो बाली भागने की कोशिश कर रहा था। खान बाली बच सकता था अगर वो गोली की रफ्तार से तेज दौड़ता तो। उस घर में किसी गवाह के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई नहीं था वहां। और जहां तक उस अपार्टमेंट बिल्डिंग का सवाल है, वहां के सारे फ्लैट्स एक तरफ है और सामने की तरफ सिर्फ एक सीधी सी दीवार। और जब हम गोली चला रहे थे तो एक भी दरवाजा नहीं खुला था। राइट राइट सर। राइट, गवाह किधर था? सालवी, कॉरिडोर के आखिर में एक फ्लैट था। लड़की उस फ्लैट में है। कुछ फ्लैट से पूरा कॉरिडोर दिखता है। ए, गुप्ते, सालवी, खान के साथ जाओ। लड़की उस फ्लैट में है। उस लड़की को पकड़ो। उसकी लाश किसी को नहीं मिलनी चाहिए। क्या क्या नाम है तुम्हारा? किरण। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं। अपनों की मौत का दुख क्या होता है जानता हूं मैं। सबकी मौत का मुझे दुख नहीं है। मेरा बाप सिर्फ नाम का ही बाप था। जीते जी मुझे इतना दुख दे रहा था कि अगर वो लोग उसे नहीं मारते तो शायद एक दिन मैं ही उसे मार देती। तुम्हारी माँ और बहन? ना ही वो औरत मेरी माँ थी और ना ही वो बहन। वो औरत को तो मेरे बाप ने अपने सुख के लिए रखा था और वो लड़की उसी की बहन थी। अगर तुम्हें किसी की मौत का दुख नहीं तो फिर तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि उन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। एक मेरा भाई तो था मेरी जिंदगी में, जो मेरा बाप था, मेरी माँ थी, मेरा सब कुछ था। उसे भी छीन लिया मुझसे। उसकी क्या गलती थी? उसने क्या किसी का बिगाड़ा था? लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि मैं उन हथियारों को पहचानती हूँ। पुलिस? नहीं छोड़ूंगी उन्हें, नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? पुलिस मुझे मिलने आ रही है, मेरा बयान लेने आ रही है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे पुलिस को अपना बयान देना है। और ये सब कुछ क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे पुलिस मुझे मिलने आ रही है, मैंने पुलिस को फोन करके बुलाया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ तो, मेरी बात तो सुनो। पुलिस मुझे मिलने आ रही है। अरे कुछ तो बताओ क्या कर रहे हो? अरे अरे तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे ये दरवाजे से खो कैसा? शिरके तुम ये दरवाजा खोलो। सालवी यही है वो। अरे तुम मुझे बताते क्यों नहीं? हम क्यों वहां से भाग आए? अरे रुको तो सही, मैं कब से तुमसे पूछे जा रही हूँ, तुम मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हो। अरे पुलिस मेरा बयान लेने आई थी।
पुलिस तुम्हारा बयान लेने नहीं तुम्हें मारने आई थी। पुलिस के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने तुम्हारे परिवार को मारा है। पुलिस के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने मेरे परिवार को मारा है। इसीलिए मैं तुम्हें वहां से निकाल के लाया हूं। अब तुम्हें कहां जाना है सोच लो। लेकिन मैं कहां जाऊंगी? कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जहां तुम्हारी जान बच सके। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। रूम 315 सर। देखो देखो, मेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। मुझे लगता है कि यही जगह सेफ है मेरे लिए, तुम्हारे पास। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। ऐसा मत कहो, इस छत के नीचे थोड़ी सी तो जगह मांग रही हूं मैं। इसके बदले तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, तुम्हारे कपड़े बर्तन सब धो दूंगी मैं, प्रॉमिस। ये सब काम मैं खुद कर लेता हूँ, तुम अपना रास्ता देखो। किस्मत ने जो मेरे साथ मजाक किया है ये तो तुमने देखा ही है। अभी शहर में मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन इतनी रात को मैं जाऊंगी कहां? देखो आज की रात मुझे यहां सोने दो, कल सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। हाँ सुबह ही चली जाऊंगी मैं। वहां सो जाओ। क्या हुआ? ठंड लग रही है। क्या नाम है तुम्हारा? किरण। I love you. किरण loves you. किरण loves you. I love you. Thank you.
लौट जाओ। लेकिन हाँ, नाश्ता करके चली जाऊंगी। मुझे भी तैयार होकर काम पर जाना है। जानी मन खरबंदा कंस्ट्रक्शन के मालिक श्री पंकज खरबंदा की किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। तुमने इस आदमी को मारा है ना? तुम लोगों को मारने का काम करते हो? मेरे बारे में सोचने के लिए अपना दिमाग मत चलाओ। नाश्ता करो और जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे काम के बारे में जानकर मुझे हैरानी नहीं हो रही है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। अरे काम तो काम है, जैसे डॉक्टर, वकील, पंडित, मौलवी, सबके अपने अपने काम होते हैं। वैसे तुम्हारा भी यही काम है, सबको टिका डालने का। मैंने तुमसे कहा ना, देखो अगर तुम मुझे ये चलाना सिखा दोगे ना, तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तुमने पहले भी मुझ पर एहसान किया है ना। अगर तुम मुझे कल वहां से नहीं निकालते तो वो लोग मुझे मार चुके होते। तुमने मेरी जान बचाई है ना। जो उस वक्त मुझे जरूरी लगा मैंने कर दिया, लेकिन अब तुम अपना रास्ता अलग करो। मैं अपना रास्ता अलग कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी जो आर्ट है ना, वो तुम मुझे सिखा दो। मुझे ट्रेन करो, ट्रेनिंग दो मुझे। ये लो, तोहफा है मेरी तरफ से, और निकलो यहाँ से। तुम क्या समझती हो इसे चलाना आसान है? इसे चलाना तो दूर, तुम इसे उठा भी नहीं सकती। तुम्हारी ये कलाई है ना, मुड़ जाएगी। हेलो 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 सर, मैं पांडे बोल रहा हूँ। अभी अभी यहाँ लोखंडवाला मार्केट में ब्रिज के पास किसी ने बाली की बेटी को देखा है। सर, सर। ये तो बाली की बेटी नहीं है सर। अरे होटल वाले ने तो हमको निकालना ही था। हम किसी के होटल में गोली चलाएंगे तो हमको कैसे रहने देगा? और तुमने भी तो मेरी ईगो को हर्ट कर दिया। गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। तुमने ही ऐसी बात कह दी थी कि मुझे जरा जोश आ गया। तुमने ही तो कहा था कि मुझसे रिवॉल्वर उठाया नहीं जाएगा और मेरी कलाई मुड़ जाएगी, इसलिए मैंने रिवॉल्वर उठाया और गोली चला दी। धप्पड़! पहले मैंने उससे एक फायर किया, फिर मैंने सोचा कि तुम समझोगे कि मैं उस फायर से डर गई, इसलिए मैंने दो चार और फायर कर दिए। जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तो तुम मान गए ना कि मैं रिवॉल्वर चला सकती हूँ? मान गए? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। ओके। बात जितनी जरूरी है उतनी ही करो, उससे ज्यादा नहीं। ओके। जितना मैं बताता हूँ
समझाता हूं उतना ही करो, अपना दिमाग मत चलाओ। ओके। और ये हर बात के बाद में ओके ओके कहना बंद करो। ओके। फ्लैट लेना चाह रहा है? क्यों भाई, यहां रह रहा था, वहां क्या प्रॉब्लम हुई? मदन भाई वो जगह मैंने छोड़ दी। क्यों? वैसे ही कुछ दिनों से वहां दिल नहीं लग रहा था। ठीक है, कलीना में मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा है, तुम वहां जाकर रह लो। क्या घर है, बिल्कुल ऐसा ही घर मेरे सपनों में आता था। हॉल भी ठीक है, और वैसे हम दोनों को तो यहाँ रहना है। बाथरूम काफी बड़ा है ना, वैसे घर में बाथरूम तो बड़ा ही होना चाहिए। बाथरूम बड़ा होने से क्या होता है पता है ना, नहाने के टाइम ना वो बाथरूम छोटा या बड़ा उससे क्या फर्क पड़ता है ना। अरे ये तो बेडरूम है, लेकिन इस घर में तो एक ही बेड है, इस पर तो मैं सोऊंगी, तुम कहाँ सोगे? मुझे सोने के लिए बेड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सुनो तो, ओ मैं तुम्हें बताती हूँ तुम कहाँ सो सकते हो, वो वाली चेयर पे। उस दिन होटल में जब मैंने तुम्हें चेयर पे सोते हुए देखा ना, तो मैं हैरान रह गई, ये आदत तुमने डाली कैसे? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी ना। सॉरी, वो बात जितनी जरूरी है उतनी। देखो तुम्हें जब भी लगे कि मैं ज्यादा बोल रही हूं मुझे टोक दिया करो। अगर तुम मुझे टोकोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ज्यादा बोल रही हूं? जाओ सो जाओ। सो तो जाऊंगी मैं, लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूं सोने। गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। साला सैंपल, समझता है क्या अपने आपको? एक दिन इसी की बंदूक से इसकी बोलती बंद कर दूंगी। साला चश्मिश। क्या हुआ? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इतनी रात को कुछ नहीं मिल सकता, सो जाओ। ज्यादा बोलने के लिए मना करते, कम बोलो तो समझते नहीं हूँ। जब मुझे भूख लगी है, तो मैं सो कैसे सकती हूँ? चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। मैंने कुछ जरूरी चीजों की लिस्ट बनाई है, जिसमें कुछ बर्तन है और कुछ खाने पीने की चीजें हैं। मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम ये सामान खुद खरीद लो। अरे ये क्या बात हुई, आगे तुम्हें भी तो इस घर में रहना है। देखो देखो मैं साफ साफ कह देती हूँ, घर का जो भी काम। नहीं, जाने को तो मैं अकेली भी जा सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, पहले कभी कोई घर का सामान खरीदा ही नहीं, शॉपिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसलिए ब्रेड अंडे दूध की बात तो कुछ और है। अब तुमने भी मुझे ऐसे घर में लाके रख दिया जहाँ कोई भी सामान नहीं है। अब एक नन्ही सी जान, छोटा सा बच्चा, इतना सारा सामान कहाँ से उठाएगा? बोलो बोलो ना, बोलो। आइए 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 बहन जी, आइए, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अरे जी जाजी, आप कैसे हैं भाई? बहुत दिनों के बाद आए, कहीं बाहर गए हुए थे क्या? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, तुम यहाँ पहले आ चुके हो क्या?
नहीं, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। ठंडा मंगाओ। अरे छोटू ठंडा लेके आ। नहीं नहीं ठंडा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? अरे वापिस आ जा, वापिस आ जा, वापिस आ जा। हाँ तो क्या सामान लेगी आप? ये लीजिए लिस्ट। छोटो दो डिब्बे निकाल, एक पांच का, एक दस का, अच्छी क्वालिटी का। दो चम्मच निकाल छोटे वाले, छह कढ़ाई निकाल एक गिलास, दो दर्जन पतीले, दो चम्मच बड़े वाले। लगता है कुछ गड़बड़ है, जरा लिस्ट दीजिए। देखिए एक दर्जन चम्मच है, एक तवा है और दो कढ़ाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। छोटो जी कढ़ाई कम कर दे, चमचे बढ़ा दे। ठीक है। हाँ तो जीजा जी क्या लेंगे आप? ठंडा मंगाओ आपके लिए। छोटो ठंडा लेके आओ। नहीं रहने दीजिए। नहीं चाहिए, रहने दो, आ जाओ। नहीं 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 आप मंगा दीजिए, छह कैन पेप्सी, हम घर जाके पी लेंगे। छोटो देख दुकान बंद है या खुली है? मुझे नहीं लगता दुकान खुली होगी। हाँ तुम इलेक्ट्रिशियन लेके आओ, पंखा ठीक करना है, प्लम्बर भी चाहिए, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। इतना सारा काम कैसे होगा? मेरा तो अभी से सर घूम रहा है। देखो मिल बांट के काम करेंगे तो ही बात बनेगी। तुम हॉल साफ कर देना, मैं किचन साफ कर दूंगी। और हाँ, अरे ये तो गच्चा दे गया। ये है बाबूराव, रतन शास्त्री का पार्टनर। पार्टनरशिप में किसी बात को लेकर आपस में दोनों में अलगाव हो गया। ये पेपर्स हैं, इन पर बाबूराव के सिग्नेचर चाहिए। हो जाएंगे। अरे तुम आ गए, गुड गुड। तुमने सिगरेट पी? सिगरेट? और मैं यहाँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे यह सिगरेट लाके कौन देगा? अरे तुम क्या बोल रहे हो, यकीन नहीं आ रहा तुम्हें, सुनकर देख लो। अरे मैं बोल रही हूँ कि मैंने सिगरेट नहीं पी, नहीं पी मैंने सिगरेट। और तुमने क्या किया, आज मुझे अकेला छोड़ के चले गए, सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। भला उस प्लम्बर का जिसने मेरी मदद की, नहीं तो मैं यहाँ से वहाँ इतना भारी सामान कहाँ से किसका थी? बोलो। हॉल साफ करने की तुम्हें जरूरत क्या थी? अच्छा तो तुम खाना भी किचन में खाते? अरे मैंने तो आज खाना बनाया है, गरम गरम रेडी है। तुम हाथ मुंह धो के आओ, मैं तुम्हारे टेबल पर इंतजार करती हूँ। सुधरेगा नहीं। आज मैंने खाना बहुत दिल से बनाया है, तुम खाओगे ना तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। विल स्टार्ट विद पराठा। थोड़ा जल गया है, वो क्या है ना कि पहली बार बनाया ना, इसलिए। तुम आलू मेथी खाओ ना, ये बहुत स्वाद बनी है, लेकिन क्या है ना कि ये भी थोड़ी जल गई है। कढ़ाई नहीं है ना, न्यू ब्रांड। नहीं नहीं तुम दाल खाओ, मैं दाल बहुत अच्छी बनाती हूँ, रियली खाओ, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है दाल, खाओ तुम खाओ तो सही। ईट ईट। गंज कहाँ है मेरी? गंज? गंज तो यहाँ है। बहुत गंदी हो गई थी, लगता तुमने उनको सालों से साफ नहीं किया। मैंने उनको खोल खोल के साफ किया, जोर तुम खुद लेना। कपड़े और हथियार में फर्क समझती हो या नहीं? खराब कर दी ना मेरी गंज। तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने कहा था ना जितना मैं बताऊँ समझाऊँ उतना ही करो, अपना दिमाग में चलाओ। और तुम अरे भाई जी मैं तुम हो कहाँ?
आज तो तुम्हें वो काम करना था। वो नहीं हो सकता आज। अरे नहीं भाई, हमें वो आज काम करना पड़ेगा वरना उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो लौटा दो। क्या जीवा? मैंने खाना टेबल पे रख दिया है, चलो खा लो। आज सब्जी जलाई नहीं है मैंने, पराठे भी ठीक तरह से बनाए हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया अब तक। तो क्या करूं मैं? क्या हुआ, तुमने हंसना क्यों बंद कर दिया? तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, हंसो हंसो ना।
तुमसे रहना कितना मुश्किल हो गया, हो गया, हो गया जो हो गया सो हो गया। मेरी जान बेचैन कर दे फासले मजबूरियां, हाँ मिटा दे, हाँ मिटा दे मिलके सारी दूरियां। और ज्यादा करना बेकरार, कहने ही है जान दे कर लिया। जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार, जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। जी बाबा बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? अरे भाई बोल ना, तेरे ही तो पैसे हैं, मेरे पास रखे हैं तो क्या हुआ? 20,000। 20,000? नहीं, वैसे ये सारे पैसे तेरे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 20,000 कोई बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन जिस तरीके की तेरी जरूरतें हैं, तेरे खर्चे हैं, उसके लिए इतने पैसे? शराब तो पीता नहीं, सिगरेट तो पीता नहीं है, कोई और शौक भी तेरे को? किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया तू? ऐसा कुछ नहीं मदन भाई। नहीं जीवा, ये सारे पैसे तेरे हैं, तू जिसको देना चाहे उसको दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तू बैंक पे रखना चाहता है बैंक पे रख ले, तू ब्याज पे लगाना चाहता है ब्याज पे लगा ले, जो तेरा जी चाहे वो कर। ठीक है, तुझे 20,000 चाहिए ना, ला तो। तुम जानती हो इसे? नहीं। मैंने तुमको समझाया था ना, ऐसे वैसे किसी आदमी से बात नहीं करना। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझसे माचिस मांगा था। और आगे से गाली देना बंद करो, अगर गाली देना बंद नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। ओके, नहीं दूंगी। और आज के बाद ये सिगरेट पीना भी बंद। ओके। मैं 5 मिनट में अंदर जाके आता हूं,
यहां से हिलना मत। तू तो कह रहा था कि कोई लड़की नहीं है, तो फिर ये देख जीवा, किसी लफड़े में मत पड़ जाना। पहले भी एक बार तेरी जिंदगी में एक लड़की की वजह से भूचाल आ चुका है। ले ले, अरे ले ले। तेरे भी सीने में शोला
जाए, तुझे प्यार हो न जाए। तुम्हें वहां खड़े रहने के लिए, फिर तुम वहां से क्यों हिली? क्यों हिली? तुम्हें लगता है पागल हूं? कहां कहां ढूंढ के आया मैं तुम्हें? अब बोलती क्यों नहीं? मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, सच्ची। ये बात पहले मेरे दिल को पता चली, दिल ने फिर मुझे बताया। मैंने सोचा मैं तुम्हें आके बता दूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जब तुम दूर जाते हो तो लगता है तुम नजदीक आ जाओ, जब तुम नजदीक होते हो तो मेरे पेट में कुछ कुछ होता है, कुछ गुड़म गुड़म होने लगता है। मैंने बहुत सोचा कि ये सब क्या है, तो मैंने इतना सोचा कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर मेरे दिल ने मुझे बताया कि तुझे प्यार हो गया, और तुम भी तो मुझे प्यार करते हो। देखो तुम, देखो मैं बुद्धू नहीं हूँ। जब मैं उस लड़के से बात कर रही थी तो तुम्हें जलन क्यों हुई? और जब तुमने बाहर निकल के देखा कि मैं वहां नहीं हूँ तो परेशान क्यों हो गए? मुझे ढूंढने क्यों लग गए? जब मैं किसी से बात करती हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जब मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ तुम बेचैन हो जाते हो। ये प्यार नहीं तो और क्या है? बेकार की बातें मत करो। तुमने ही मुझसे कहा था ना, जिंदगी जो दे वो ले लो। जिंदगी ने मुझे जीवा दिया, और मैं कौन सा तुम्हारी जिंदगी से चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई थी, लेकर आओ। तुम इसे पहनोगे ना तो बहुत अच्छे लगोगे। जीवा खरीद के दो ना। अरे किरण बेटा। अजीत अंकल आप? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ अंकल। अरे भाई तुमने तो अपना घर ही छोड़ दिया। वो मेरे लिए कभी घर था ही नहीं। हाँ। जीवा ये अजीत अंकल है, मेरे डैडी के दोस्त। हेलो। एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे पापा को मैंने बहुत समझाया था कि ये गलत काम है, लेकिन वो मानता ही कहाँ था किसी से। छोड़िए ना अंकल ये सब बातों को, हमें आगे कुछ जरूरी काम से जाना है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। अच्छा बेटा, मेरे लायक कुछ काम हो तो बताना। जी अंकल। अच्छा, अरे टीकाराम अभी तक ये माल भेजा नहीं? वाओ, आई वांट दिस ड्रेस, मैं 2 मिनट में पहन के आऊं। Yeah!
आगे कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ जीवा, तुम्हारे होते हुए मौत मुझे छू भी नहीं सकती। लेकिन क्या हमेशा तुम मेरे साथ साय की तरह रह सकते हो? आज अगर मैं अकेली होती तो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ट्रेनिंग दो, ट्रेन करो मुझे। अगर तुम मुझे ट्रेन कर देते तो आज मैं तुम्हारे साथ उनका बराबरी से मुकाबला कर सकती थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब। अगर तुम्हें उस लड़की का फोटो दिखाएं तो पहचान लोगे? हाँ साहब, पहचान लूंगा। फोटोग्राफ सर। क्या ये वही लड़की है? हाँ साहब, ये वही लड़की है, वही है। उसका साथी, उसका साथी, उसका साथी। वो एक था ना, फोर्स तो नहीं थी ना। और तुम लोग कितने थे? 12, पूरे दर्जन। और तुम लोग ऊपर गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च करती है ताकि तुम में से हर एक चार चार लोगों पर भारी पड़े, और वो एक अकेला तुम 12 लोगों पर हावी हो गया। तुम सालवी, तुम अब इस ऑपरेशन को लीड करोगे। यस सर। जितने चाहे लोग अपने साथ लो, जितना चाहे असला अपने साथ लो, वो दोनों कमिश्नर के हाथ नहीं पड़ने चाहिए। रुको, इस लड़की के साथ ये आदमी कौन जुड़ गया?
सर, बाली के केस में गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही बार अदालत में नारकोटिक सेल के ऑफिसर के बयान ने केस को कमजोर किया और अदालत में बाली को छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ड्रग्स का यह कारोबार नारकोटिक्स के लोगों को साथ मिलाकर किया जा रहा है। यस सर। सर, हमें एक मीटिंग में देवराज को तलब करना चाहिए। आखिर एक पब्लिक प्लेस पर हमें बिना इन्फॉर्म किए गोलीबारी की वजह क्या थी? किसी भी पब्लिक प्लेस में हम और आप गोली शौक से नहीं चलाते, यह हमें मजबूरी में करना पड़ता है। उस दिन हम लोगों को खबर मिली थी कि वहां पर ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जब हमारे ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे, उन्होंने हमारे ऑफिसर्स को पहचान लिया और उन पर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में हमारे ऑफिसर्स ने गोलियां चलाई। अब पब्लिक की होने की वजह से क्या हमारे ऑफिसर्स उन लोगों की गोलियां झेल लेते ताकि वो शहीद हो जाते? व्हाई? जब इस डील की इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिल चुकी थी तो उन लोगों को वहां पहुंचने से पहले भी तो रोका जा सकता था, जबकि वहां पहुंचने का 2 किलोमीटर का सिर्फ एक ही रास्ता है जो बिल्कुल सुनसान है। मुठभेड़ उस रास्ते पे भी तो हो सकती थी। अरे हो तो बहुत कुछ सकता था मिस्टर पुरी। अगर हमें सही वक्त पर इंफॉर्मेशन मिली होती तो हम उन लोगों को उनके घर पर जाकर पकड़ सकते थे, उनके बेडरूम, उनके टॉयलेट में जाकर उनको गोली मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमारी टीम को जो सही लगा हम लोगों ने वैसा किया। देखिए, ये बेवजह बखेड़ा खड़ा करके ऐसी मीटिंग्स बनाकर आप लोगों के इन सवालों का जवाब देने में मेरी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात आपके मिजाज या दिलचस्पी की नहीं हो रही मिस्टर देवराज। उस शूट आउट में पब्लिक के कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 2 एक बहुत सीरियस हालत में है। लेकिन पब्लिक में से कोई मरा तो नहीं ना? लेकिन मेरा एक ऑफिसर मरा है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, उसकी अस्थियां और राख उसके परिवार वालों को सौंप दी गई है। मेरे ऑफिसर ने अपने सीने पर गोली खाई किसके लिए? पब्लिक के लिए। ये लोग जो जहर का कारोबार करते हैं, उस जहर से मरता कौन है? पब्लिक। मिस्टर पुरी, अगर हमारी किसी एक्टिविटी से पब्लिक का थोड़ा सा नुकसान होता है तो उनको सहना पड़ेगा। हम सबको थोड़ी सी कीमत देनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि इन अपराधियों का सफाया हो जाए। देखिए मिस्टर देवराज, देखिए मिस्टर पुरी, इस केस के बारे में मुझे आप लोगों को जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका हूं। अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन आप लोग कीजिए। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हमारे केस इंचार्ज मिस्टर सालवी आपकी मदद जरूर करेंगे। अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है। हैव अ वेरी नाइस डे जेंटलमैन, थैंक यू। सर, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। क्या दमदार जवाब दिया आपने कमिश्नर पुरी को। सालवी, सर ने तो कमिश्नर पुरी की बोलती ही बंद कर दी। मैंने कमाल किया, लेकिन तुमने क्या किया? एक लड़की को नहीं मार सके तुम? अपनी तारीफ के लिए नहीं रखा है तुम लोगों को मैंने। तुम लोग ठीक से काम करोगे तब खुश होऊंगा मैं। यही मार खा जाते हम लोग। अपने काम ठीक से कोई नहीं करता, बल्कि सीने की चापलूसी करते रहते, तभी पीछे रह गए हम लोग। आज पूरे वर्ल्ड में कहां है हम? कहां? बात करता है। ज्यादा ही बड़ी गन नहीं है? ट्रेनिंग के लिए अच्छी है, क्योंकि ये तुम्हें अपने शिकार से दूरी पर रखती है। ये टेलीस्कोप है, इसकी वजह से तुम अपने शिकार को एकदम पास से देख सकती हो, इतना पास कि निशाना आराम से लगाया जा सकता है। गन हाथ मिलने के बाद दिल और दिमाग पूरी तरह से शिकार पे होना चाहिए। अब इसे अपने कंधे पर लगाओ, अपनी बाएं आंख बंद करो और टेलीस्कोप से देखो। गोली जिस पे चलानी है उसे देखो।
कुछ दिखाई दिया? हाँ, कुछ औरतें और बच्चे। औरत और बच्चों पर हम गोली नहीं चलाते, यह हमारा असूल है। किसी और को देखो। हाँ, एक आदमी दिख रहा है, बिल्कुल मेरे बाप जैसा है। मैं इसी पर निशान लगाती हूँ। हे, हेलो। क्या कर रही हो? उसे बुला रही हूँ। जब वो मेरी तरफ देखेगा मैं उसे गोली मार दूंगी। फिल्मों में तो ऐसे ही होता है, याद है घायल का क्लाइमैक्स? सनी देओल कैसे चिल्लाता है, बलवंत राय। ये कोई फिल्म नहीं है, ये ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग के वक्त मजाक नहीं, निशाना लगाओ। अपनी आंखें उसी पर रखो, आराम से सांस लो, देखो वो क्या कर रहा है। अब निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाओ, सांस को खींचो, चलाओ। मैं बच गया। गुड, पहली बार चलाई है, अब असली गोली से ट्राई करें। आज के लिए इतना काफी है, यह हैंड ग्रेनेड है। दिखने में जितना ये छोटा है उतना ही खतरनाक है। अगर ये फट जाए तो पूरे घर को उड़ा सकता है, साथ में तुम्हें और मुझे भी। ये इसका पिन है, जब तक ये इसके अंदर है ये सेफ है। इसके निकलते ही 10 गिनने के बाद ये फट जाएगा। 1, 2। क्या ये अभी फटेगा? 3। मुझे भी पता ये नकली है, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी। चुपचाप पी लो।
क्या हुआ? किरण, क्या हुआ? रो क्यों रही हो किरण? ए किरण, किरण घर परिवार याद आ रहा है। यह है तुम्हारा घर, मैं हूं तुम्हारा परिवार। जीवा, हम सुखचैन की जिंदगी क्यों नहीं जी सकते? ये मौत का डर कब छोड़ेगा हमें? हम इस अंधेरे से कब निकल पाएंगे? निकल आएंगे, बहुत जल्द निकल आएंगे। जीवा, तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दिया। सच? कल सुबह पुलिस स्टेशन में आ, रात को 9 बजे के बाद में कोई काम नहीं करता। चल जा इधर से। और मेरा काम 9 बजे के बाद शुरू होता है। पुलिस वाले में हाथ उठाता है, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। कुछ दिन पहले मिल्टन टावर्स में बाली फैमिली को किसी ने एक साथ मार दिया था। जिस आदमी ने यह काम किया है तो उसी के लिए काम करता है। कौन है वो? उसका नाम देवराज खत्री है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में एसीपी है वो। कल देवराज 2 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से आ रहा है। विद्यापति कॉलेज ग्रांट रोड में एक फंक्शन है, लेकिन उसे पकड़ लेना क्योंकि अब देवराज मुझे छोड़ेगा नहीं, अब वो मुझे मार डालेगा। तेरा ये डर मैं दूर कर देता हूं। है? सर, ये कामयाबी तो आपको मिलनी थी क्योंकि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की। देखिए, अपने देश के नौजवानों के लिए मैं जितना कुछ भी करूं कम है, और आगे भी मेरे पास ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जिनके जरिए हम ड्रग्स को जड़ से मिटा देंगे। सर, इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए आपको किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी? बिल्कुल नहीं उठानी पड़ी। देखिए, आपको जानना चाहिए कि मेरे साथ साथ इस गवर्नमेंट में बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं। डोंट वरी, जीत हमारी ही होगी। तो जाहिद खान को मार दिया गया है। ये काम उसी का है जिसने उस लड़की को अब तक हमसे बचा के रखा हुआ है। सर, मुझे लगता है इस फंक्शन में आपका जाना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, खान ने उसे बता दिया होगा कि मैं ये फंक्शन अटेंड करने जा रहा हूं। इतनी भीड़ में वो कहीं से भी मुझ पर गोली चला सकता है। आदमी को मारने के लिए एक ही गोली काफी होती है अगर वो गोली सही जगह पर लगे, और अगर वो मुझे मारना चाहता है तो गोली सही जगह पर ही मारेगा।
जो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी है सर, वो तो काबिले तारीफ है सर, सच में। आपने तो कमाल ही कर दिया सर। मैंने ऐसा क्या किया है? आपने तो कर रहे हैं जो ए मिस्टर, चलिए आप पीछे से जाइए। नशे के कहर से इस देश को बचाना है। नशा सुकून देता है, ये भ्रम है। नशा मौत देता है, ये सच है। अरे जिंदगी से प्यार करो और नशे पे वार करो। हस्ती को हरगिज न मिटने देंगे, अपने मुल्क की हस्ती को हरगिज न मिटने देंगे, अपने प्यारे जीवन में ये जहर न घुलने देंगे। अगर जीवन है ड्रग्स के शिकंजे में, तो तुम हो मौत के पंजे में। आपने कुछ चुभ रहा है यार, कुछ काटा लगता है। No to drugs, no to drugs. संतोष बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा ड्रेस में पहने हुए, तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूं। मैडम यहाँ से एक काला चश्मा पहने हुए लंबे बाल वाले आदमी को जाते हुए देखा है? जी नहीं। ऑरेंज शर्ट पहने हुए था, किसी ने भी नहीं देखा? एक्सक्यूज मी, आपने देखा है? नहीं। मैडम आपने देखा है? आज शाम नार्कोटिक सेल के एसीपी श्री देवराज खत्री एक हमले में बाल बाल बचे। यह हमला उन पर उस वक्त हुआ जब वे विद्यापति कॉलेज के एक समारोह में हिस्सा ले रहे थे। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और नार्कोटिक जवाबी गोलियां चलाई, जिससे एक गोली हमलावर को भी लगी। कुलाबा स्थित श्री देवराज के ऑफिस में उनसे मिलने वालों की काफी भीड़ रही। तुम आ गए, इतनी देर तक कहाँ थे? नया काम शुरू किया इसलिए देर हो गई। तुम्हें काम मिला? हाँ, खाना तैयार है तो लगा दो, मैं नहा के आता हूँ। ठीक है। जीवा, जीवा, जीवा दरवाजा खोलो, जीवा दरवाजा खोलो। क्या हुआ? मुझे तुमसे अभी बात करनी है, तुम दरवाजा खोलो। ना रहा हूँ। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, तुम दरवाजा खोलते क्यों नहीं? जीवा, जीवा दरवाजा खोलो। मार दूंगा उसे, इससे पहले कि वो तुम्हें कुछ करे, मार दूंगा उसे।
लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें काम छोड़ दोगे। झूठ बोल के दिलासा दे रहा था तुम्हें और अपने आप को। मगर उस आदमी की मौत मेरे लिए उतनी जरूरी है जितनी तुम्हारी जिंदगी। नहीं लेना मैं बदला, नहीं मारना मैं किसी को। ये गोली तुम्हारे हाथ के बजाय तुम्हारे दिल को भी लग सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती जीवन, नहीं जी सकती। तुम कसम लो मेरी कि तुम देवराज का पीछा नहीं करोगे, कभी नहीं जाओगे। कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। वो लोग आए थे मेरे पास इस लड़की को मारने की सुपारिश। मैंने कह दिया हम औरतों और बच्चों का काम नहीं करते। जीवा तुम इस लड़की का साथ छोड़ दो, वो लोग बहुत पावरफुल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसे जरा से भी खरोच पहुंचाने वाला जिंदा नहीं बचेगा। आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जीवा जिसके लिए तुम अपनी जान देने पर तुले हुए हो? ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? वही जो जिंदगी और सांसों के बीच होता है। जज्बाती मत। बस मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, समझाना मेरा फर्ज था, बाकी तुम जानो। वो लोग कल 11 बजे आ रहे हैं मेरे पास, देख लेना तुम्हें क्या करना। इधर आके बैठ मेरे पास। माफ करना मदन भाई, वो कल। अरे छोड़ो ना वो साहब, उससे में कुछ भी हो जाता है। और बोल तूने क्या तय किया? अरे बोल ना, कुछ खास बात करना चाहता है? मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास मेरे कितने पैसे जमा है। देख जीवा, मैंने तेरी जमा रकम का कोई हिसाब तो रखा नहीं है। तो बोल तुझे कितने पैसे चाहिए, जितने मांगेगा उतने मिल जाएंगे, बोल। मदन भाई, अगर मैं किसी लड़ाई में। कैसी बच्चों जैसी बात कर रहा है जीवा, अभी तक वो गोली नहीं बनी जो तुझे मार सके। मदन भाई मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे सारे पैसे उस लड़की को दे दोगे जो कल मेरे घर में थी। ठीक है जीवा, अगर तू कहता है तो दे दूंगा उस लड़की को तेरे सारे पैसे। तेरी ही तो अमानत है, उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जीवा अब तू निकल यहां से, वो कल वाले लोग आते ही होंगे। रुकिए, यहां एंट्री कर लीजिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लैब की रिपोर्ट मुझे कल चाहिए। ओके, मैं प्रेस रिपोर्टर हूं। मुझे तलाश रही हैं।
मेरा इंटरव्यू लेना है। लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, पूछिए। सूझ नहीं रहा है सवाल, सोचो सोचो क्या पूछना था मुझसे। सोचो वो कौन सा सवाल था जो तुम मुझसे पूछना चाहती थी, सोचो। मैं बताता हूं, तुम्हारे घर के ऑपरेशन में मेरी टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी, तुम्हारा बाप कैसे मरा, तुम्हारे भाई को गोली कहां लगी, उनमें से किसी को भी सर पे गोली नहीं लगी। यू नो, तुमने शहर में ये लुका छुपी का खेल खेल के मुझे बहुत परेशान किया है। सर, सर सालवी को किसी ने मार दिया। सर लगता है ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश थी, इस लड़की का साथी। और कौन मार सकता है मेरे आदमी को इस शहर में? एक मौत देखने का बहुत शौक है ना तुझे, अपने बाप की मौत देखी, अपने भाई की मौत देखी, अब तुझे मैं तेरे यार की मौत दिखाऊंगा। जीवा, बहुत सताया है ना मैंने तुम्हें, और तुमने हमेशा मेरी हर गलती हर शरारत को माफ कर दिया। कितनी खुशियां दी तुमने मुझे, तुम्हारे साथ बिताए कुछ ही दिनों में मैंने जिंदगी को पूरी तरह जी लिया। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना चाहिए, मेरी जिंदगी में हर तरफ रोशनी आ गई। मगर तुम्हारी जिंदगी को मैंने अंधेरे में धकेल दिया, हर रोज एक नई मुसीबत का सामना किया तुमने मेरे लिए, और अब तुम मेरी तरफ बढ़ने वाली मौत के आगे खड़े हो रहे हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मेरी जिंदगी की शुरुआत और अंत तुम्ही से जुड़ा है, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरे लिए मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अब देवराज को मुझे मारने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसे मारने जा रही हूँ। तुम मुझे भूलने की कोशिश करना, और अगर मुझे सच्चा प्यार करते हो ना तो मुझसे किया हुआ वादा निभाना, तुम इस काम को छोड़ देना। आई लव यू। देख रहा है ये सब सामान? लगता है ऑफिस की पूरी बिल्डिंग उड़ाने आई थी ये। आदमी आज यहां 11 बजे आने वाले थे, सिर्फ तू जानता था। कौन है वो? किरण, तुम ये सब छोड़ो, मैं कर लूंगा। तुम मदन भाई को जाकर बोलो कि ये जगह हम अभी खाली कर रहे हैं। ठीक है, मैं फोन करके आती हूं। के अंदर जाने का तुम्हारा कोई इशारा है?
डेंजर। क्या है? आदमी बिल्कुल मेरे सामने सर, इसने मेरे सर पर गन लगा रखी है। लड़की को छोड़ दो। नहीं, मैंने कहा लड़की को छोड़ दो। नहीं छोड़ना। नहीं, लड़की को छोड़ दो। छोड़ दो इसे। डिपार्टमेंट का चीफ बाबा किसी को भी मार सकता है ना, तो मारना मार। दरवाजा तोड़ डालो। तुमने मुझे पकड़ लिया और पूछ लिया
कि वो घर में अकेला है कि नहीं। मैंने कोशिश की कि तुम्हें नौकर के बता दूं कि बाहर खतरा है। मैंने बोला ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम ऐसे निकल जाएंगे ना। वॉकी टॉकी कौन हो तुम? देवराज खत्री को नहीं पहचानता? सर सॉरी सर। कंट्रोल टावर यस। आई वांट द स्पेशल फोर्सेस। व्हाट? आई वांट द स्पेशल फोर्सेस नाउ। नहीं जीवा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है नीचे जाते हुए। कुछ अजीब नहीं है, तुम जाओ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। सुनो 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 मेरी बात। नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी जीवा। नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। देखो हम यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। मैं इसे अकेले निपट सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तो जीना चाहता हूँ। तुम इसे तो सीखा मैंने जीना। तुम देखना हम बहुत खुश रहेंगे। मदन के पास मेरे बहुत सारे पैसे हैं। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इस पर तुम चली जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं जीवा। तुम जाओ। I love you. I love you too. आदमी को उड़ाने के लिए बोला था, पूरी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए नहीं। अपने सर दरवाजा तोड़ा है सर। यू डोंट वरी सर, वी आर गोइंग इन। टेक योर पोजीशंस, पोजीशंस, गो। हम लोग डेफिनेटली उसे पकड़ लेंगे सर। अब तक अंदर से कोई बाहर नहीं आया सर। डोंट वरी सर। Let's go.
पावा किसी को भी मार सकता है। तुम्हारे लिए किरण की तरफ से जीवा की सारी दौलत है। उसने कहा था कि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो मैं ये तुम्हें दे दूं। आज वो उस दुनिया में नहीं है, अब ये तुम्हारी है, संभालो इसे। Thank you.